तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जिम जा रहे हैं। तो पूजा के चलते बहुत दिन से मेरा जिम छूट गया था। तो दोस्तों आज हम लोग का चेस्ट और ट्राइसेप है, तो जा रहे वर्कआउट करने। तो दोस्तों अभी हम लोग मशरूम मसाला ऑर्डर किए थे, तो आ गया है मशरूम मसाला। फास्ट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो लग रहा है कि उनको ठेकेदार को बोलना पड़ेगा, दो ही मिस्त्री भेज रहे हैं, उनको बोल के जल्दी कम्प्लीट करवाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जिम जा रहे हैं। तो पूजा के चलते बहुत दिन से मेरा जिम छूट गया था, 10-12 दिन के बाद जा रहे हैं हम जिम। तो ठीक है, आप लोग से जिम में मिलते हैं। दोस्तों अभी हम जिम में आ गए हैं, तो इतने दिन बाद जिम आ रहे हैं तो ट्रेनर से तो डांट पड़ेगा ही, इतने दिन छूट गया। लगभग हमको लगता है 12-15 दिन छूट गया है, पूजा में व्यस्त है तो आ नहीं पा रहे थे जिम। चलिए हम आपको अपना जिम का टूर भी करवा देंगे और अपने ट्रेनर से भी मिलवा देंगे, तो अभी चलते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। कितना दिन से नहीं आया तेरे? पूजा था ना, इसलिए व्यस्त हो जा रहे थे। तो अभी कंटिन्यू कर रहा है कि? हाँ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है हम लोग के ट्रेनर, हम लोग साथ में ही वर्कआउट करते हैं, लेकिन ज्यादा वेट मारते हैं हम, कम वेट मारते हैं। तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिम, अब जिम नहीं छूटेगा। अभी तो कोई ऐसा त्यौहार भी नहीं है कि जिम छूट जाए। ठीक है कंटिन्यू करो आज से। ठीक है दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों ये जिम जो है 2 फ्लोर का है, नीचे कार्डियो है और ऊपर में वेट लिफ्टिंग है। तो अभी नीचे तो मेरा कार्डियो हो गया है और ऊपर जा रहे हैं वेट लिफ्टिंग करने। चलो चलते हैं वर्कआउट करना, तभी हम लोग को वर्कआउट करवाएंगे साथ में, तो चलते हैं। तो हम लोग का चेस्ट और ट्राइसेप है, तो हम दीपक भैया, इनका नाम दीपक भैया हुआ, हम और दीपक भैया चेस्ट और ट्राइसेप मारेंगे, तो जा रहे वर्कआउट करने। तो दोस्तों अभी हम लोग वार्म अप सेट लेने वाले हैं, तो 10-10 का भी वार्म अप सेट लेंगे ताकि शरीर जितना है फ्री हो जाएगा। इतने दिन से जिम नहीं आ रहे थे तो बॉडी पूरा अभी लॉक हो गया, तो पहले फ्री करने के लिए हम लोग को वार्म अप सेट लेना पड़ेगा। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन बेंच प्रेस, 10-10 का वेट लगाए हैं। अब इसको हम लोग फेलियर सेट तक मारेंगे जब तक हमारा बॉडी गर्म ना हो जाए। तो देखते हैं लास्ट कितना वेट तक जाएंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग का वर्कआउट खत्म हो गया है और अभी घर जा रहे हैं, घर में जाके नाश्ता करेंगे, उसके बाद न्यू वाले घर में जाएंगे, देखते हैं कौन कौन मिस्त्री आया है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज गए हैं और हम न्यू वाले घर में आ गए हैं, नाश्ता वास्ता कम्प्लीट हो गया हम लोग का। तो अभी आए तो सारे मिस्त्री सब आ गए हैं यहाँ पे, तो अभी नीचे पीछे प्लास्टर चल रहा है और ऊपर में तो सीढ़ी के ऊपर में तो लग ही रहा है ग्रेनाइट। तो अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इंटीरियर का काम हुआ है। किचन तो कुछ कंप्लीट हुआ है, तो नीचे चलते हैं और देखते हैं किचन का काम कितना हुआ है। तो अभी दोस्तों किचन का इतना काम हो गया है पीछे में, जितना कंप्लीट हुआ है। और ये सब में सारा है, इसको क्या सनमाइका बोलते हैं, ये ग्रीन वाला है जो यहाँ पे है, उसको इसमें चिपकाया जाएगा तो फिर इसका भी लुक आ जाएगा अच्छे से। तो आज क्या कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है तो कीजिए। और दोस्तों ये विंडो और ये विंडो कल आया था तो ये दोनों में लग गया है, पर वो बेडरूम का जो विंडो है वो कम पड़ गया है, उसका साइज छोटा हो गया है, तो वापस से लग गया है वो, तो उसका नाप लेके चले गए वो लोग, तो वापस आएगा तो फिर लग जाएगा उसमें। और यहाँ पे टीवी यूनिट बन रहा है अपना, तो ये अभी तैयार नहीं हुआ, अभी बस पलाई लगा है, तो इसमें अभी डिज़ाइन है कुछ वो बनेगा। और ऊपर का तो फॉल सीलिंग हो ही गया है लगभग, इसमें भी कुछ डिज़ाइन है पर अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी किचन ही में मेन ध्यान है हम लोग का, तो किचन को पहले कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोग का खाना हो गया है और अभी मिस्त्री लोग का लंच हुआ है, तो अभी वो लोग खाना खाकर 1 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद काम चालू करते हैं। तो अभी हम और दीपक भैया जा रहे हैं मांडू, उनको उनके दीदी को कुछ सामान देना है उनको, तो पहुंचा के आते हैं पहले। तो ठीक है दोस्तों जा रहे हैं अभी वहाँ पे। तो
दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग को बहुत भूख लगा था तो खाना खाने के लिए रुक गए हैं, तो अभी यहाँ पे खाना खाएंगे इस होटल में। तो दोस्तों जो काम के लिए आए थे हम लोग, वो काम हो गया है, अब यहाँ से खा के आराम से निकलेंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग मशरूम मसाला ऑर्डर किए थे, तो आ चुका है हम लोग का मशरूम मसाला। और तो एक ही प्लेट ऑर्डर किए थे क्योंकि इसी में हम लोग का हो जाएगा, हमको कुछ उतना मशरूम पसंद नहीं है, तो यहाँ से खा के निकलेंगे फिर घर जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग का खाना हो गया है और खा के अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम लोग जो ये खाना है यहाँ का बहुत टेस्टी था, यहाँ का मशरूम बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, बहुत टेस्टी लगा। ठीक है दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, अभी मांडू से आ गए हम लोग वापस, तो अभी घर में देखने आए कितना काम कम्प्लीट हुआ है, तो देखते हैं अभी। सीढ़ी का तो स्टार्टिंग लगना स्टार्ट हो गया है, यहाँ से लेके वहाँ तक कंप्लीट हो गया है अभी। तो ऊपर चलिए, यहाँ इधर का भी पूरा स्टार्टिंग लग गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ तक लग चुका है हम लोग का सीढ़ी, तो अभी देख रहे हैं कि पीछे कितना प्लास्टर हुआ है। फास्ट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो लग रहा है कि उनको ठेकेदार को बोलना पड़ेगा, दो ही मिस्त्री भेज रहे हैं, तो उनको बोल के जल्दी कंप्लीट करवाना है, कम से कम और 2 महीने में घर कंप्लीट करवाना है हमको, तो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तो काम स्लो चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि इधर इतना हुआ उधर का अभी बाकी ही है, तो 2 महीने में लगभग चांस नहीं है, लेकिन हम 2 महीने में सोच रहे हैं कि कंप्लीट करवा दें। अभी दोस्तों शाम के 6 बज रहे और हम आए हुए न्यू वाले घर में, क्योंकि आज शाम में पूजा दिखाना था वो हम कर दिए थे, सौरभ गया हुआ बाहर, तो आज पूजा दिखा दिए शाम का, और आपको दिखाते हैं आज घर में हमारा क्या क्या काम हुआ है। तो आज हमारा यही काम हुआ ऊपर, सब में जितना था सब में गेट लग चुका है, और यहाँ पर भी ऊपर में हो चुका, उधर साइड भी पूरा ऊपर कंप्लीट हो चुका, अब इधर साइड से बाकी हुआ है हम लोग का, और नीचे में भी सामान वगैरह रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी रात के 7 बज गए हैं और अभी टाइम हो गया है ये लोग को बिस्कुट खिलाने का, तो अभी दे रहे बिस्कुट ले, अभी बिस्कुट खिलाने के बाद जाएंगे घर, घर में खाना खाएंगे, उसके बाद आके सो जाएंगे। तो दोस्तों अभी नई वाले घर में आ गए हैं, खाना हो गया हम लोग का, तो अब सोएंगे। और हाँ दोस्तों एक बात था कि कल का वीडियो जो हम अच्छा से देखे नहीं थे लास्ट का एंडिंग, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो अब से थोड़ा ध्यान दे के एंडिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों अब यहाँ सो जाएंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।